हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हिमाचली बाबू। तो गाइस, सबसे पहले आपको सभी को शादा शायरी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं जा रहा हूं गाइस आज जोगनी माता टेंपल में धूप बत्ती भेंट करने। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हर मंथ मतलब साझा होता है, तो सभी हमारे हिमाचल के सभी लोग कहीं ना कहीं मतलब अपने देवी देवताओं के पास या कहीं तीर्थ स्थान या कुछ अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से धूप बत्ती करने जाते हैं। तो गाइज, मैं हर मंथ मतलब यहाँ पे धूप बत्ती करने आता हूँ, क्योंकि ये जो टेम्पल है ये हमारे घर से 10-15 किलोमीटर मिनट की दूरी पर है। तो हमारे बुजुर्गों का मानना है कि इनका काफ़ी जैसे कि आदर सम्मान करना चाहिए इन जोगने का, उसके चलते मैं हर मंथ यहाँ पे धूप बत्ती करने आता हूँ। तो आज का साझा कुछ खास होता है, साझा शायरी जो आपको मालूम है कि काफ़ी स्पेशल होता है, उसके चलते मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को इस चीज़ का ब्लॉग दिखाया जाए। तो गाइस, चलिए पहले धूप बत्ती कर लेते हैं, उसके बाद बाकी ढेर सारी बातें करेंगे। तो धूप बत्ती करके मैं ख़त्म हो चुका हूँ। अब मैं मतलब जो ये होता है, हमने आटे का बनाया होता है भोजन, ये मतलब दो चपातियाँ जैसे चपाती टाइप के दो इकट्ठे होती है आपस में मिली, और इनको हम मतलब भेंट करते हैं जैसे देवी देवताओं के नाम लेकर या फिर कहीं अपने हिसाब से अलग अलग तीर्थ स्थान के नाम लेकर भेंट करते हैं। तो उसी के चलते इनको खाने मतलब कौए आते हैं, अगर कौवे आते हैं तो उसे शुभ माना जाता है कि मतलब आपके भोजन खाने देवी देवताओं की आस्था के प्रति कौवे आगे हैं। तो दोस्तों, मैं अभी हो चुका हूँ समाप्त मतलब धूप बत्ती करके। जो आप देख सकते हैं ये लड़की मेरी कैमरा मैन यहाँ पे मेरे को लकीली मिली, क्योंकि यहाँ साथ में इस टेम्पल के साथ में हमारे बड़े पापा जी के बेटे का घर है मतलब मकान है, तो उनकी बेटी यहाँ पर मिली मेरे को, तो मैं इसको लेके आया साथ में साथ कैमरा चलाने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो नीचे जूम कर कुछ, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, धूप अभी खिला है, ये जो सामने वाले एरिया है इसमें अभी धूप नहीं लगी है, तो उसके चलते सामने कैमरा से क्लियर नहीं आ रहा था, तो मतलब नहीं आ रहा है, आपको नज़र भी नहीं आएगा। हेलो तानिया, हाय करो, हाय करो। ये है तानिया, देख सकते हैं आप, ये सबसे छोटी लड़की है हमारे जो यहाँ पे भैया रहते हैं, ये भी नीचे आ रही थी, अभी 3-4 साल की हुई है, ये काफ़ी क्यूट है ना। चल पड़ा मैं दोस्तों घर की ओर, आपको दिखा देते हैं यहाँ से गांव कैसा दिखता है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे गांव का जो रिजर्वेशन है, हमारा गांव काफ़ी बड़ा है, तो दूसरी बार आपको हम अपना गाँव भी दिखाएंगे अच्छे से। तो जैसा कि आप धुंधला धुंधला आपको नजर आ रहा है, उनके भी धूप की किरणें हमारी ओर लगी है, क्योंकि हमारे गाँव में धूप जल्दी लग जाती है, लगभग 6:30 बजे लग जाती है सुबह, और शाम को जल्दी 4 बजे या 7:30 बजे चले जाती है। दोस्तों, अब चलता हूँ मैं घर की ओर, उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये छोटा जैसा ब्लॉग हमारा पसंद आया होगा। तो गाइज, अगर आप हमारे YouTube चैनल हिमाचली बाबू में नए हैं, तो प्लीज़ यार गाइज अपने भाई का चैनल है सब्सक्राइब तो करिए ना, तो आपको ऐसे ही आगे और ब्लॉग्स डालते रहूँगा मैं, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।